Sandeep. I'm Brock. Today we're gonna do a reaction to BBQ Vines. The culprit. This video dropped yesterday, so we wanted to wait out a day and then do it. So I'm looking really forward to. We haven't watched BBQ Vines in a while. Because he hasn't dropped the video in a while. So this was his last video, The Culprit. Really, really hope this is the next part of the T2 Mama. Because we saw T2 Mama, he did another video which was like after that part. I really hope that kind of ends here. Because the T2 Mama was super duper hilarious. So without wasting more time, let's watch The Culprit. If you haven't seen it, let's watch it together. If you've already seen it, just watch it one more time with us. Let's do it. Here we go. It's good to see him after a while. I know. यार पता नहीं कल रात से मेरी ना लेफ्ट आंख फड़क रही है. मेरी भी. क्या मतलब होता है इसका? फ्लू है शुभ होता है या अशुभ होता है? इसमें शुभ अशुभ क्या है? घरवाले कहते हैं कि लेफ्ट आंख फड़कना मतलब कुछ बुरा होने वाला है. अबे क्या अंधविश्वासी लोग हैं देश में बेंचो. खाली कैची मत चलाओ, घर में लड़ाई होगी. इसका मतलब जो सलून में काम करते हैं उनके घर में क्लेश होते रहते हैं. इसका करे क्या? शुभ है कि अशुभ है? नस्ते बेटा नस्ते. अशुभ होता है वो. मेरी टिकट कहाँ है? लेफ्ट फ्रंट में खड़ा होगा क्या? कौन सी टिकट? थाईलैंड जा रहा हूँ ना मैं, तो मुझे बताया कि मेरी टिकट यहाँ है. किसने बताया? मुझे फोन आया कि मेरी टिकट तुम्हारे पास है. पर हमें कोई फोन नहीं आया कि आपकी टिकट हमारे पास है. तो मेरी टिकट है कहाँ? तो मैं यहाँ क्यों आया? तू आया नहीं है, तुझे लाया. टीटू मामा. मैं वो पहले के पास जैसे होते ना. हम दिल दिल चुके. नो द फेस ऑफ. अरे क्या लावड़ा फंस गया मुंह में? यार ये मन ना द सीन बन जाए मेरा. ओह नो. बे उससे क्या कंफर्म कर रहा? थर्ड एम्पायर है वो. और मैंने फोन करके बुलाया तुझे यहाँ पे, बहुत घुमाया तूने. आज मैं तेरी रिपोर्ट लेता हूँ. मेरे पैसे कहाँ है? घूर क्या रहा है चमकादड़? ये अपनी बीवी को भी ऐसी देखता है. तभी तो आप तक हनीमून पे नहीं गए दोनों. तेरे को बता के जाऊंगा. टेक्निकली बाप को तो बताना है. ये मुझे तूफानों से खेलने की आदत है. तूने अपने नुन्नू का नाम तूफान रखा है. अब एक हाथ को पके मैन इन ब्लैक. बच्चों ने बताया तूने इनकी जिंदगी कैसे बर्बाद करी हुई है. मैं तो इसके बाप के सामने इनके कारनामों का चिट्टा किट्टा खोलना चाहता हूँ. क्योंकि बच्चा बॉन देखते हैं. अरे क्या गुनाह है बॉन देखना? बचपन में पैदा होते ही करियर का बोझ उनके सर पे डाल देते हैं. स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, रेस होती है रेस. डेप्रिसिएशन पढ़ते पढ़ते इसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है. इसको देख, प्रैक्टिकल्स की डेडलाइन इसकी जॉलाइन जितनी शार्प है. एलजेब्रा में घंटा कुछ नहीं आता इसको. अपनी एक्स को भूल नहीं पा रहा, तो एलजेब्रा वाली एक्स का अचार डालेगा. सुबह सुबह बैग लेके निकलते हैं तो ऐसा लगता है पत्थर तोड़ने जा रहे हैं. क्लास वर्क और होमवर्क की किताबें अल्लाह का है. कल से कुंजी लेके जाइए, सारे सवाल उसी में से आते हैं. हर बार पीटी पीरियड में कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाता है, इनका एक्साइटमेंट मातम में बदल जाता है. साला कभी कभी टीचर का कोई टॉपिक पढ़ाने का मन नहीं हुआ तो वो पूरा चैप्टर बच्चों को होमवर्क दे देते. अरे अपनी जिम्मेदारी बच्चों पे क्यों डाल रहे हो? चादर है वो. घर आके भी चैन का है. वो जो स्कूल की रेस है वो असल में रिले रेस है. स्कूल वाले अपना बेटा ट्यूशन वाले के हाथ में दे देते हैं. और वहाँ तो टीचर स्कूल से तीन चार चैप्टर आगे चल रहा है. अरे बच्चे पहले स्कूल में पढ़े, फिर तेरे साथ कोप अप करे. क्या चल रहा है ये? Oh my God, this is going. ऐसे में अगर 15 मिनट दिन का सुख मिल जाता है तो तेरी क्यों जलती है बे? खुद की जिंदगी में फूका पड़ा हमारी उंगली करता रहता है. अरे बच्चा बेचारा पंछी है, उड़ना चाहते हैं उड़ने दे. शांति से पेड़ पे बैठना चाहते हैं बैठना दे. सारे पेड़ काट घोसला तेरी गांड में बनाऊंगा फिर. मामा जी 3 दिन हो गए कुछ खुल के नहीं बोला. आप सामने होते हो तो थोड़ा रिजर्व रहता हूँ. अरे कोई अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ी ना है तो रिजर्व रहेगा तू. खुल जा. आपको शर्म नहीं आती बैंक से इतने भले आदमी के साथ धोखा करते हुए? माना कि एक नंबर के लुच्चे लफंगे पड़ोसियों के बच्चों के मुंह से निवारा छीनने वाले लगते हैं, लेकिन पता कितने कंस्पायरिंग आदमी है. इंस्पायरिंग बेवकूफ. तुम लोग चालाकी से मुझे यहाँ लेके आए, फंसाना चाह रहे हो. अगर तू मेरा पैसा बिना किसी गड़बड़ के दे देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा. मामा तेरे जैसे बहुत आए और चले गए. तो तू अपनी टांगे खोल के भी रखता है. अबे सस्ते शार्प शूटर, तू मुझे बाहर दे. क्यों खुले में देगा?
Oh my god, it finally. चार लोग एक आदमी पे चढ़ रहे हो, वाह! यही तो तेरी फैंटेसी थी। मैं तू सबका वजूद मिटा दूंगा। तो तेरे को कोई काम धंधा है कि नहीं? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अबे अपनी जिंदगी शांति से जीना क्यों उंगली करता है? वही जगह उंगली करी होती तो होला का फपोला आ जाता अभी तक। मेरा पैसा क्यों लिया? मजबूरी थी। कैसे मजबूरी? नहीं बता सकता। मेरा घपला करके मुझे नहीं बताया। सूरज ढल रहा है। दो बज रहे ना मैं। कौन मुरझा रहे हैं? कली तो पानी डाला था। खड़ी चट्टाने ढह गई। कुतुब मीनार लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा हो गया मैं। इसका पंकज उदास हो गया। गुमराह गुमराह हो गया। ए कोड़ा लौड़ा कोड़ा लल्ली हो गई। चलिए मुझे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना था और तूने मुझसे घपलेबाजी की। मुंह तो ऐसे लटकाया हुआ है जैसे किसी बुढ़े के टट्टे। ला दे मेरा पैसा। जो करना है कर ले। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया पर मैंने बहुतों का उखाड़ा है। ओह गॉड, पकड़ो बे। औजार काट वाले का। नहीं, ना देखना पड़ता तुझे ये दिन, ना खेला होता वो घिनौना खेल। अब जिंदगी भर यही फोफता रही हो, मेल टॉयलेट या फीमेल। नहीं, पकड़। Oh, man, to be continued. I like this, like he's like really taking his time and make this video, and it's like almost like a season he's gonna keep having right. episodes. I feel like he's really getting good with the whole story, like the whole concept in his exactly. videos, that and you're just drawn in the whole time, that you just want to hear the story of what he's talking about. Right. And really funny punches, especially yeah. towards the beginning. It was really, really funny. And some that I understood a little bit later. I didn't get it right away. So do let us know, what do you think about the culprit, T2 Mama, and all the other characters? T2 Mama has to be my favorite character from this like recent videos of his. Like this video, give it a thumbs up, subscribe to our channel, follow social media. Keep sending your requests, guys. Yes, take care.